सो गाइस, 1 जनवरी और हम चल दिए शांति निकेतन बोलपुर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्लेस है। तो पल्लव ये सब बैग एंड बैगेज अंदर डाल रहा है। तो ये जो है हमारा एकदम से ही सडन प्लान बन गया कि हम लोग बोलपुर घूमने जाएंगे। अभी भी बोलपुर में कौन कौन से लोकेशंस जाएंगे वो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन देखते हैं ऑन द वे कहाँ कहाँ जाते हैं। गाइस, ये ऑन द वे हम रुके हैं नाश्ते के लिए। तो जिस रूट से हम जा रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ से फटाफट नाश्ता करके हम निकलेंगे आगे के रास्ते के लिए। और ये आ गया हमारा नाश्ता। तो ये है गर्मा गर्म नान पूरी और मटर दाल। तो इसे जो है मटर और आलू के साथ बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी। और बीच में रखा गया है बहुत सारे मिर्ची। ये पीकू सबसे ज़्यादा खुश है नाश्ता देख के। बड़ा ही सुहाना सा मौसम है आज, थोड़ा क्लाउडी वेदर है। और यहाँ पे जो खेत है, यहाँ पे आलू का प्लांटेशन हुआ है एंड शुगर केन प्लांटेशन है। सो मेजरली आलू, शुगर केन एंड बहुत सारे जगह पे सरसों के खेत भी हमने देखे ऑन द वे। तो गाइस, हमारा जो पहला डेस्टिनेशन है वो है कंकाली तला, जो कि काली माता का एक मंदिर है। तो ये बहुत ही बड़ा पार्किंग है मंदिर के बाजू में। तो यहाँ पे बेसिकली दो मंदिर है, एक छोटा मंदिर जहाँ पे शिव जी विस्तारित है। तो हम पहले गए शिव जी का आशीर्वाद लेने। भैरव जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम जाएंगे जो मेन मंदिर है, जो कि काली माता का मंदिर है, वहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ से फिर हम चल दिए काली माता के मंदिर में। ऑन द वे जो है हमने देखा बहुत सारे शॉपिंग के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। खाने पीने का पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। आइसक्रीम्स है, गर्मी है, ठंडी का मौसम है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट धूप अच्छी खासी है और गर्मी भी है। आप देख ही रहे हैं साइड बाय साइड बहुत सारे टोटोज एंड बहुत सारे बाइक पार्क किए गए हैं। तो क्योंकि एक लंबा वीकेंड है, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए हैं आज माता जी का दर्शन लेने की। 1 जनवरी है, तो यू नो ईयर स्टार्टिंग है, तो भगवान के आशीर्वाद के साथ ही पूरे साल का जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए अंदर, ये जो है ये मेन मंदिर है काली माता का। तो अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा एरिया लेके जो है ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे कोई ग्रुप कोई डांस कर रहा है, तो कोई गाना गा रहा है। तो इसी के साथ जो है हमने ये सफ़र कंकाली ताला का यहीं ख़त्म किया और हम आगे बढ़ गए। उसके बाद जो है हम गए सोना झूरी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ते में जो है बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। कहीं पे बैग्स है, कहीं पे चद्दर है, कहीं पे कुर्तीज़ है, कहीं पे साड़ीज़ है, जिसमें बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट वर्क किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया लेके जो है जो लोग हैं, जो यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर्स है, ये लोग यहाँ पे हाट बिठाते हैं। तो इसको कहते हैं सोना झूरी हाट। और ये बहुत बड़ा एरिया लेके होता है यहाँ पे। खाने के लिए भी आप देख रहे हैं कहीं पे मोमोज़ है, एंड क्योंकि ये विंटर सीज़न है एंड यहाँ पे गुड़ वगैरह भी ज़्यादा मिल रहा है, तो कहीं पे पीठे है, कहीं पे पुली है। या आप शुगर केन देख रहे हैं, तो शुगर केन जूस, चाय, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको तो पता ही है वुमेन एंड शॉपिंग आर टू इनसेपरेबल थिंग्स। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर सुंदर वर्क किया हुआ, कांचा स्टिच वर्क किया हुआ यहाँ पे साड़ीज़ है, सिल्क के साड़ीज़ हैं। मतलब 500 से लेके आपको 14,000-15,000 के साड़ीज़ एंड चद्दर्स एंड शॉल्स आराम से मिल जाएंगे। आप छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग्स, वुडन कार्विंग किए हुए प्लेट्स, ट्रेज वगैरह किसी को गिफ्ट करने के लिए ले सकते हैं। बैग्स ले सकते हैं, लेदर बैग्स हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत कुछ है टाइम पास करने के लिए। तो हमने हमारा सफ़र शॉपिंग करके यहीं ख़त्म किया। इस ट्रिप में तो हम सिर्फ कंकाली तला और सोनाझुरी हाट ही कवर कर पाए, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे यहाँ पे वापस और खूब सारा शॉपिंग और बहुत सारे दूसरे लोकेशंस भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।